काहे मान करो सकिर अब है ना। फिर आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं कितना परफेक्ट कितना नहीं है, ग्राफ भी आता रहता है ऊपर नीचे। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नमस्कार, आज हम देखने जा रहे हैं कि रियाज ऐप की मदद से हम राग को कैसे सीख सकते हैं। घर बैठे हम राग के ख्याल को, उसके परिचय को, उसके सरगम गीत को और कुछ आलाप ताने वगैरह भी हम कैसे एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, रियाज एप्लीकेशन बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो आपके iOS में और एंड्रॉयड में दोनों में डाउनलोड हो सकती है। और आप उसका प्रीमियम वर्जन अगर ख़रीदना चाहें तो वो भी ख़रीद सकते हैं, और उसके मंथली, क्वार्टरली, एनुअल प्लान्स वो भी आपको उसमें ऐप में मिल ही जाएंगे। और उसमें अगर आप कूपन कोड में SPW का कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप उस एप्लीकेशन को खरीदते हैं। तो एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप घर बैठकर गीत तो सीख ही सकते हैं, गीत भजन भी सीख ही सकते हैं, पर साथ में राग भी सीख ही सकते हैं। तो आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे उस एप्लीकेशन को कि राग उसमें कैसे सीखे जा सकते हैं। और तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए रियाज ऐप को अपने फ़ोन में, फिर राग वाले सेक्शन में जाइए और उसमें बहुत सारी रागें दे रखी है। तो जो भी आपकी आपको सीखने की इच्छा है और जो भी आपको लगे कि हाँ अभी मेरा ये लेवल है कि मैं इस राग को सीख सकता हूँ, उस अनुसार आप चुन सकते हैं। जैसे विभास है, सरस्वती है, मधुवंती है, मियाँ की तोड़ी, देश, भैरव, रागेश्री, जौनपुरी और बिहाग है, खमाज है, भीमपलासी है, बहुत सारी रागें हैं इसमें। तो हम जैसे मधुवंती, अभी जैसे कि मैं गा रहा था तो मधुवंती से हम एक बार थोड़ा शुरू करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या कैसे क्या रहता है। तो मधुवंती जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, राग इंट्रोडक्शन, चलन आलाप, सरगम गीत, फिर उसमें फिर ख्याल आ जाते हैं कि एरी माई धन धन काहे मान करो तुम्हारे दरस, ये तीन अलग अलग ख्याल हैं। फिर उसमें कुछ पलटे भी हैं, यानी कुछ सरगमें होंगी। तो राग के इंट्रोडक्शन में अगर आप जाओ तो सबसे पहले आरोह अवरोह पकड़ का सेक्शन आता है। तो एक बेहतरीन चीज़ है, जैसे एक किताब में पूरा परिचय होता है वैसे ही इसमें आप साथ में गा सकते हो। तो ईयरफोन या स्पीकर कनेक्ट कर लेना, जैसे कि इसमें कैसे आ रहा है, अब ये शुरू हो गया आरोह अवरोह, अब मैं प्रैक्टिस पे क्लिक करूंगा तो एक बार वो गाएंगे, फिर एक बार आप रिपीट करोगे। इसको आप पॉज भी कर सकते हो, रिवाइंड भी कर सकते हो, रीस्टार्ट भी कर सकते हो, है ना। एक बार ये गा दिया इन्होंने, फिर थोड़ा आप सांस ले लीजिए और ये जैसे इसमें स्केल अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो आप जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। जैसे मैंने अभी पहली सफ़ेद सिलेक्ट कर रखा है ना। अब आप गाएंगे साथ में, इसमें आप साथ में गा सकते हैं, फिर आपको ऐसे पॉइंट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट लेसन में आप देखेंगे तो और आरोह अवरोह के बाद पकड़ आती है जो कि इसका चलन है, फिर उसको जब आप प्रैक्टिस पे शुरू करेंगे। ऐसे आप रिपीट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपने कितना सही गाया। फिर चलन आलाप है, सरगम गीत अगर आप सीखना चाहें तो पहले आप सीख लीजिए, फिर परफॉर्म कीजिए डायरेक्ट ताल के साथ, है ना। लर्न कर सकते हैं आप, पहले एक बार एक लाइन वो गाएंगे, एक आप गाएंगे, आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं।
मगरे सरे सने जाएगा मापा मापा, है ना, ये आ सकता है। फिर ताल के साथ आ जाएगा। फिर जैसे ख्याल अगर हम लेते हैं तो कैसे आ रहा है, उसमें भी ख्याल में पहले लिरिक्स फिर सरगम फिर परफॉर्म, है ना। तो लिरिक्स हम देख लेते हैं पहले क्या क्या हैं, उसके शब्द क्या हैं, और उसके साथ धुन भी आएगी ही, है ना। काले मन करो, हाँ काहे मान करो, सकिरे अब, है ना। फिर आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं कितना परफेक्ट कितना नहीं है, ग्राफ भी आता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसे आप ख्याल देख सकते हैं, फिर पलटा इसमें अलग अलग आ सकते हैं, पलटा वन पलटा टू, कोई से भी पलटे आप चुन सकते हैं और तैयार कर सकते हैं अपनी पूरी राग। इसमें ऊपर लिखे हुए भी आ ही रहे होते हैं सरगम, तो आप वैसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ताल आपको पता चल ही रही है कौन सी कहाँ से उठ रही है। अब जैसे कोई दूसरी राग ले लीजिए, दूसरी राग में कोई दूसरा ख्याल, भीमपलासी है, भीमपलासी में भी यही सारी चीज है। फिर ख्याल अलग अलग है, जैसे ये ख्याल देखिए आप, एक ब्रज में धूम मचाई, ये भी भीमपलासी का ही ख्याल है। इसके इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाता है, ब्रज में धूम मचाई काना, ब्रज में धूम मचाई काना, है ना। ऐसे कर करके आप वेरिएशंस भी सीख सकते हैं। तो एक राग सीखने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका है, जिसमें आलाप ताने और सरगम गीत और साथ ही उसके कुछ लक्षण गीत, उसके कुछ पलटे आप सीख सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका है। डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को एंड कूपन कोड यूज़ करके खरीदिए इसे, प्रीमियम वर्जन लीजिए इसका और घर बैठे सीखिए रियाज ऐप से संगीत, ठीक है। ऐसे ही देखते रहें वीडियोज़ हमारे और सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले कई वीडियोज़ में हम कई नए टॉपिक्स लाएंगे जिनसे आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।